प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार लोग ऐसे हैं जिनकी बख्शिश नहीं होगी, जिनकी दुआओं पे फरिश्ते आमीन नहीं कहेंगे। वो कौन है? एक वो शख्स है जो माँ बाप का नाफरमान है, एक वो शख्स है जो मुस्तकिल शराबी है, एक वो शख्स है मेरे मोहतरम भाइयों जो कता ताल्लुक करने वाला है, रिश्तेदारियां तोड़ने वाला है, ताल्लुकात मुनकते करने वाला है, और एक वो शख्स है जो दिल में कीना रखता है। मेरे मोहतरम भाइयों, जो मुआफ नहीं करता अल्लाह उसको मुआफ नहीं करते। ये रमजान इसलिए आया कि हमारा रब चाहता है कि हम सबको अल्लाह मुआफ कर दे, हमें जहन्नुम से बचा ले, और जन्नत में अल्लाह सुभानो ताला चाहता है हमारा बेहतरीन ठिकाना बन जाए, बेहतरीन महल बन जाए, बेहतरीन घर बन जाए। इसी के बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, बदबख्त है वो शख्स, बदकिस्मत है वो शख्स जिसकी जिंदगी में रमजान आए मगर वो अपने आप को जहन्नुम से ना बचा सके।